4, 3, 2, 1, maths. Hello students, आज हम पढ़ेंगे the laws of algebra of sets, यानी sets को कैसे algebra के through हम solve कर सकते हैं, उसकी कुछ properties हैं हमारे पास, Idempotent law, identity law, commutative law, फिर उसके बाद associative, distributive और फिर demorphisms. ये हमारे पास 6 अलग-अलग तरीके के laws हैं जिनके through हम help से ये वाला algebra sets का solve करते हैं. तो जो पहला हमारा लॉ है वो कहता है आइडोपेंटो लॉ कि अगर हम ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तो वो ए ही आएगा. बट ऑफ कोर्स ये चीज है कि अगर हम किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा. वही सेम चीज इंटरसेक्शन में भी फॉलो होती है कि ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो ए होता है. सेकेंड लॉ जो हमारा है वो है आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी यानी ए की आइडेंटिटी. ए का अगर हम यूनियन करेंगे फाई के साथ, यानी ए को और कोई भी नल यानी फाई सेट को हम मिलाएंगे आपस में तो वो जो हो जाएगा वो ए ही आएगा. अगर हम ए का यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्स के साथ तो भी वो ए ही आएगा. तो ये दोनों लॉज होते हैं, ये होते हैं हमारे आइडेंटिटी लॉज. कम्यूटेटिव लॉज. कम्यूटेटिव लॉज को हम यहाँ पे सीएमसी में एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दे रखी है. इसको हम कहते हैं तेजू के पापा के जूते, यानी एक ऐसी चीज जिसको चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो वन एंड द सेम थिंग है. तेजू के पापा के जूते अगर आप उल्टा करेंगे तो यही सेम चीज बनेगी. वही सेम चीज है, ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है. वही सेम इंटरसेक्शन में होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए होता है. तो इट मीन्स ये दोनों चीजें आपस में कोरिलेट करती है, सेम होती है. अब हमारा फोर्थ लॉ जो है वो है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉज में सिर्फ ब्रैकेट्स इधर उधर हो जाते हैं. आप देखेंगे कि अगर इसको आप विदाउट ब्रैकेट पढ़ेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, जो कि ब्रैकेट अभी ए यूनियन बी में है वो ब्रैकेट मैंने शिफ्ट करके बी यूनियन सी में कर दिया है. तो ये दोनों चीजें भी आपस में सेट्स ऑफ एलजेब्रा में इक्वल होती है. वैसे ही इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है जिसमें ब्रैकेट इधर है, जो ब्रैकेट इधर लगा लूं चाहे इधर लगा लूं, B intersection C bracket के अंदर था, यहाँ पे A intersection B bracket के अंदर है, one and the same thing है. तो ये हमारा associative law होता है. जो हमारा distributive law होता है, distributive law is basically a maths based calculation, algebra based law. यानी अगर आप देखेंगे कि A union करा मैंने B intersection C के साथ, तो इसमें क्या होता है कि पहला A union हो जाता है B के साथ, ये वाला साइन इंटरसेक्शन का ऐसे की ऐसे, और फिर ए यूनियन हो जाता है सी के साथ. तो यानी ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का जो मतलब होता है वो होता है एक बार ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे की ऐसे, और फिर ए जो होगा वो सी से यूनियन मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. वैसा ही सेम लॉ हमारा इंटरसेक्शन वाला होता है कि A intersection B union C जो होता है तो A एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और एक बार इसके साथ, तो एक तो हो जाएगा A intersection B union A intersection C. इन दोनों लॉज को हम मिला के कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. और अब जो हमारा लॉ आ रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ भी है उसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम में भी आता है, प्लस इस लॉ का प्रूफ भी है हमारे कोर्स में. तो हमने एक हमारे वीडियो में इसका प्रूफ किया है, तो अगर आपको इसका प्रूफ चेकआउट करना है तो गो चेकआउट दैट वीडियो, तो आपको इसका वीडियो का प्रूफ पूरा मिल जाएगा. अभी हम समझा देते हैं कि जनरल फॉर्म में होता क्या है डी मॉर्गन्स. डी मॉर्गन्स इज बेसिकली कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी हम जानते हैं A union B का हमारा ये वाला सेट हो जाएगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर लें तो यानी ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट की बातें कर रहा है A union B का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पार्ट. अब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो हम जानते हैं कि जो हमारा A कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो कुछ ये वाला पार्ट होता है जिसके अंदर A इंक्लूड नहीं होता, और जो हमारा B कॉम्प्लीमेंट होता है वो ये वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा B इंक्लूड नहीं होता. अगर इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है यानी जो दोनों के अंदर है, तो हम देखेंगे इन दोनों को अगर हम मिक्स करके देखेंगे
तो सिर्फ वही वाला पार्ट आएगा जो ए और बी दोनों के अंदर नहीं है। तो हम देखेंगे कि ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होता है। तो इन दोनों को मिला के ये आया, तो ये आर एच एस आ गया और इसका मतलब ये। तो हम देखिए दोनों के वेन डायग्राम सेम है, तो इट मीन्स ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। सेम गोज विद द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इन दोनों का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा वो वाला वीडियो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के प्रूफ स्कूल में आने के काफी चांसेस रहते हैं इसके। इस तरीके से छह प्रॉपर्टीज हम एल्जेब्रा में काम में लेते हैं सेट्स को सॉल्व करने में। एक बार प्लीज इनको गो थ्रू कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।